एक बड़ा इफेक्ट जो पड़ा है लंपी वायरस का, वो त्योहारी सीजन पे अब पड़ता दिखाई दे रहा है मिठाइयों पर। राजस्थान में जिस तरीके के हालात बन चुके हैं लंपी से, और जो गाय के दूध की शॉर्टेज हो चुकी है, तो उसकी वजह से जो मिठाइयाँ हैं उनके दाम जो है आसमान छू रही हैं। राजधानी जयपुर की एक मिठाई की शॉप पे खड़ा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं ये सारी जो गाय के दूध से बनी हुई जो मिठाइयाँ हैं, बंगाली मिठाइयाँ जो बनती हैं गाय के दूध से बनती हैं, और गाय के दूध की शॉर्टेज होने के चलते इनके दाम 20 से 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और ये जो दाम बढ़ाए गए हैं ये 29 तारीख को बढ़ाए गए, यानी कि 29 अगस्त को इनके दाम बढ़ाए गए हैं। आसमान छूती हुई महंगाई जो है पहले से ही लोगों की जेब पर असर डाल रही है, लेकिन लंपी के असर के बाद में अब त्योहारी सीजन पे जो मिठाइयों का जो सीजन जो आने वाला है, और त्यौहार पर जो लोग जो मिठाइयाँ खरीदते हैं उससे उनकी जेब पर जो है काफ़ी जो खासा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। राजस्थान में जिस तरीके के हालात हैं और गाय के दूध की जो कमी जो है देखने को मिल रही है, उसके चलते त्योहारी सीजन पे लोगों की जेब पर जो है काफ़ी असर पड़ेगा। और उसके साथ साथ में क्या स्थितियां हो रखी हैं, अभी कितनी रेट बढ़ाई गई है, यहाँ के जो ओनर हैं राहुल जी, इनसे बात करते हैं। राहुल जी, क्या फ़र्क पड़ा है रेट्स में और कितनी रेट्स बढ़ाई हैं? 29 तारीख को आपने रेट बढ़ाई है, 20 से 25 रुपये के आसपास मिठाइयों की रेट बढ़ी है। हाँ जी, हमने 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रेट बढ़ाया है, और बढ़ाने का कारण है कि दूध महंगा हो गया है, और दूध महंगा होने के कारण ये है कि आगे से जो दूध इतना सप्लाई नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से दूध महंगा होने के कारण 20 रुपये किलो हम लोगों को भी मिठाइयों की रेट बढ़ानी पड़ी। दूध महंगा होने के कारण लंपी वायरस है, क्योंकि लंपी वायरस से कई गायों की मौत हो रही है। सरकारी आंकड़े तो कुछ और कहानी बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो स्थितियां हैं वो काफ़ी भयानक हैं। तो दूध का कारण, सबसे बड़ा कारण गाय हैं, और गाय से बनने वाली मिठाइयाँ कितनी आपकी जो है शॉर्टेज हो रही है, कितनी महंगी हो रखी है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने क्या गाय या भैंस का डिफरेंस ना रखा है, क्योंकि हमने दोनों में ही 20 रुपये बढ़ाया है, क्योंकि शॉर्ट भैंस का दूध भी है। मतलब ऐसा नहीं कि गाय का दूध ही कम है, भैंस का दूध भी कम है, और दूध के बढ़ते हुए रेटों के कारण हमने 20 रुपये किलो का इंक्रीमेंट किया। अभी जो आपने इंक्रीज़ किए हैं रेटें, तो आने वाले समय में चूँकि त्योहारी सीजन आ रहा है, दिवाली का भी सीजन आ रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर यही स्थितियाँ रही? तो अगर यही स्थिति रही, और अगर मान लो हमें कोई हमारी जो डिमांड है, डिमांड अगर सप्लायर पूरी नहीं कर पाया, और सप्लायर अगर वो रेट मांगता है, और या आगे उसको भी दूध आगे से वो प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाता है और दूध महंगा मिलता है, तो स्वाभाविक बात है कि अगर वो हमें महंगे भाव पे दूध देगा तो फिर हमारे पास में भी कोई चॉइस नहीं होगी रेट बढ़ाने के अलावा। तो स्थितियाँ काफ़ी जो है विकट हैं, और राहुल जी का भी कहना है कि जो आने वाला समय है, त्योहारी सीजन है, यहाँ पर जो है अगर दूध की शॉर्टेज यही रही तो त्योहारी सीजन में भी लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, और जो मिठाइयों की रेट्स हैं वो काफ़ी ऊपर जा सकती हैं, काफ़ी हाई हो सकती हैं, और इसके चलते दूध की जो शॉर्टेज हो रही, गाय से बनी हुई जो मिठाइयाँ हैं वो लोगों की जेबों पर जो है निश्चित तौर पर असर डालेगी। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9।